श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान को फूल चढ़ाने के क्या फायदे हैं। सनातन धर्म में भगवान को पुष्प या फूल चढ़ाने को विशेष महत्व दिया गया है। देवी देवताओं और भगवान को आरती, व्रत, उपवास या त्योहारों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। ऐसे भी फूल चढ़ाए जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार व सामाजिक कार्यों को बिना फूलों के अधूरा समझा जाता है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान को फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं। यदि आप भी इसका कारण नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में पुष्प के बारे में कहा गया है कि पुण्य संवर्धना चापी पापोघप रिहारत पुष्कलार्थ प्रदानार्थ पुष्प मित्य भी धीयते। अर्थात पुण्य को बढ़ाने, पापों को घटाने और फल को देने के कारण इसे पुष्प या फूल कहा जाता है। देवता का मस्तक या सिर हमेशा फूलों से सुशोभित रहना चाहिए। देवता लोग रत्न, स्वर्ण, भूरी, द्रव्य, व्रत, तपस्या या किसी चीज़ से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना फूल या पुष्प चढ़ाने से होते हैं। फूल चढ़ाने का एक बड़ा कारण है, मान्यता है कि पुष्प अर्पित करने से भगवान तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। फूलों की सुगंध से हमारे घर का वातावरण महकता रहता है, जिससे मन को शांति मिलती है। दिमाग में हमेशा सकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव घर से नष्ट हो जाता है। यह हमें अच्छा जीवन जीने की प्रेरणा देता है। फूलों का जीवन कम अवधि का होता है, लेकिन फिर भी वे जब तक मुरझा नहीं जाते तब तक वातावरण में सुगंध फैलाते रहते हैं। इसी प्रकार हमें भी समाज में ऐसा ही स्वभाव रखना चाहिए जिससे हमारे आसपास लोगों को सुख प्राप्त हो सके। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।